तो ये अरविंद शर्मा कैसे जीतते हैं? अरविंद शर्मा जीरो। क्या अरविंद शर्मा बताओ, मेरे सामने ले आओ। उधर पिछले चांस में जबरदस्ती राय दे, ये तो हॉट सीट थी ऑल इंडिया की। बीजेपी ने वोट दोगे कि दीपेंद्र? भाई हम तो ना तो दीपेंद्र देते ना बीजेपी, हम भूपेंद्र हुड्डा के लिया तय दिल से। तो दीपेंद्र के साथ? हाँ वो देख का बात है, कांग्रेस यार दीपेंद्र को हराने वाला कोई नहीं है। जब चौटाला की तुत्ती बोले थी ना एक साइड से, जब भी आड़ा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहा था, जब वो कवर कर रहे थे ना बूथों में कैप्चरिंग, जब भी भूपेंद्र हुड्डा 102 से जीत रहा था। मैं गांव बालों से धर्म सिंह नंबरदार का लड़का बोल रहा हूँ। तो ये अरविंद शर्मा कैसे जीतते हैं? अरविंद शर्मा जीरो। क्या अरविंद शर्मा बताओ, मेरे सामने ले आओ। कांग्रेस ने वो काम करे थे देश में, अभी तो ये ताजी लिपा पोती सुन गए, समझ गए। उन्होंने तो देश का विनाश किया है, जहाँ पहले थे ना उन 1947 से पहले, वहीं चले जाएंगे 10 साल में बीजेपी के राज में। हाँ यस। केंद्र में क्या लगता है आपको, क्या होगा केंद्र में? तो घपला है, ये जीतते नहीं गे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जो ठीक कैंडिडेट उठाए लगाए जीतते नहीं गे। और यहाँ का तो पक्का आपके साथ? हाँ यहाँ तो नहीं, यहाँ तो पहले कभी हारे नहीं है। इन्होंने देश में तो ये बाप तो बच्चे हो, हमने कुछ देखा था मारा टाइम। इन्हें तो 3 लड़ाई मिली थी 1952 में, थोड़ा कानून लागू हुआ, 54 में लागू हुआ था पूरा। इन्हें तो 54 के बाद 62 में लड़ाई मिलेगी चीन के साथ में, उसके 3 साल बाद पाकिस्तान के साथ में मिलेगी, उसके 7 साल बाद, 6 साल के बाद पाकिस्तान के से फिर मिल गई। और उन्होंने दो पाकिस्तान थे, एक पाकिस्तान बना दिया, वो पश्चिमी पाकिस्तान छोड़ दिया, उसको पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 99,000 सेना कैप्चर करी थी जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आप ये बताओ, रोहतक से आपको दीपेंद्र का लगता है? बहुत लगता। उधर पिछले चांस में जबरदस्ती राय दे, ये तो हॉट सीट थी ऑल इंडिया की। अमित शाह ने पहले बोल दिया था, बोला रोहतक ऑल इंडिया में कंस्टिट्यूंसी रोहतक बाद में काउंटिंग होगी। ये तो वोट में दिया रहने के में पहले वो था डिक्लेयर था। क्या इतने दीपेंद्र के जो वर्कर हैं, एम्प्लाईज हैं, जो वर्कर हुआ कैंसिल हुई, अभी तो बीजेपी का भांडा था वहाँ पूछा चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने वो पकड़े नहीं वहाँ। हाँ जो अफसर भी उस पर जुर्माना भी लगाया, क्या अफसर हो रे, चुनाव कराओ निष्पक्ष कराओ गिनती करो, वो इधर देख रहा उधर देख रहा था ना, ये सब मीडिया लोग देख रहे थे। अब की बार जाएंगे ना, ये जैसे दीपेंद्र के हाड़ा ये चेक कर लिया, उधर वो चेक कर लिया, ये मुलायम की चेक कर रहे थे, थोड़ा मुलायम के भी डीपीडी भेजी थी, भाई भी भेज रखी है, ये अच्छा नहीं है। नेता तो और भी दे पाया, कभी किसी का ये घर में सीबीआई बीबीआई ईडी जांच नहीं भेजी कभी, ये तो ताकत हमारी है, दो ही आदमी देश में चलती है। अभी नितिन गडकरी बहुत बड़ी आदमी है, भाजपा में, हाँ भाजपा में है, अध्यक्षता वही था, उसकी अध्यक्षता में चुनाव हुए थे, और वो इनकी बात मानता नहीं, वो तो अपने काम करता है, वो किसी के पीछे नहीं घूमता। ये सारी नौकरी गवर्नमेंट की खा गए, हाँ जो 40-40, 50,000 60,000 तनख्वाह लिए थे वो 18-18,000 कर दी बिल्कुल सब। पेंशन जो पेंशनों की थी एम्प्लाइज की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं चाहे स्टेट गवर्नमेंट, सब पेंशन ने पहले तो स्टेट की था, ये वाजपेयी खा गया था। ओनली 3 सेना की रह गई थी, थल वायु एयर और जल, तीनों की रह गई थी। अब ये भी खत्म होगी, क्यों होगी, अग्निवीर हो गए, अग्निवीरों को पेंशन नहीं है। अब तो ये रूस वाला काम हो जाएगा, भाड़े के टट्टू हो जाएंगे, जैसे वो 2 साल से लड़ाई चल रही है ना वहाँ, लगभग नियर अबाउट 2 साल होने वाले हैं, वो 3 आदमी एक अंडर में पहुंचा हुआ 3 अंडर यही मारे। ये तो चरण सिंह तो बहुत बढ़िया लीडर थे किसानों के, इसके बाबू ने हरीश ने कुर्सी चाहिए, मानते हो?
बाकी कुछ नहीं चंद पंगा सोचो को जाटो के नेता नहीं, वो को जाटो के नेता नहीं, हम तो नहीं मानते, हमने नहीं मान्या।